बिहार सरकार के पूर्व विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह, जिनके ऊपर कई प्रकार के गंभीर आरोप राजनीतिक गलियारे से सुनने को आ रहे हैं। हालांकि इस बार अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि जब नए बिहार में इस नई सरकार की गठन हुई तो जिन्हें विधि मंत्री का दायित्व दिया गया उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ ऐसे अधिकारी और व्यक्तियों के ऊपर दबाव बनाए जिनको कि न्यायालय के द्वारा पूर्व में ही राहत मुहैया उपलब्ध करवाया गया है, सुरक्षा दिया गया है। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे खबर को देखें, क्योंकि यह खबर अपने आप में एक सनसनीखेज है। आरोप मंत्री पर है। बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री जिनको फरारी के बावजूद श्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार में मंत्री बनवाया था, जिनमें गिरफ्तारी का वारंट था, फिर वे मंत्री बन गए थे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 20 अगस्त को अपने चार लोगों को बेऊर जेल भेजा और इस मामले के जो जिन्होंने FIR किया, श्री राजू सिंह जिनकी किडनैपिंग हुई, उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। राजू सिंह की पत्नी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। इसमें आरोप लगाया है कि 20 अगस्त के दोपहर में 1 से 4 के बीच में चार लोग जाते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा उनको भीतर प्रवेश कराया जाता है और राजू सिंह को बुलाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो समझौता कर लें। देखिए, ये वही कार्तिकेय सिंह है जो फरार है। बिहार पुलिस ने उनको फरार होने का मौका दिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया। नीतीश जी को मालूम था कि ये वारंटी है, अपहरण के मामले में इन पर वारंट है, फिर भी उनको शपथ दिलवाया। 20 दिनों तक उनको कानून मंत्री बना के रखा ताकि पद का दुरुपयोग करते हुए और वो दबाव डाल सके और चीज़ों को मैनेज कर सके। और उसी का प्रमाण है ये पत्र जो उनकी पत्नी ने, यानी राजू सिंह की पत्नी ने, पटना हाईकोर्ट को लिखा है। मैं तो बिहार सरकार से मांग करता हूँ इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और कार्तिकेय सिंह को अविलंब गिरफ्तार किया जाए।